वो एक बरादरी के लिए मेडल लेकर आए थे, जो गोल्ड मेडल जीत के पूरे नाम, पूरे देश का नाम रोशन करें, और उनको भी एक बरादरी का टारगेट कर रही हैं। उस दिन तो सारे देश की छाती चौड़ी थी, वह हमारा पहलवान फलाना गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो है, मैं इस बात पे भी मुख्यमंत्री की घोर निंदा करता हूँ कि वो जो ब्राह्मण से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ब्राह्मण की दुश्मनी, नादान की यारी, कांच की घटी, तमे की बीमारी लेके जा कर ऐसे कोई हो भाई। मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम चलाए हुए है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ बीजेपी के नेताओं को और मुख्यमंत्री को, हमारे गांव में आके ये देखे कि मुआना गांव में किसी भी गांव का नाश करना है तो मां नगर ग्राम योजना में दे दो। हमारे गांव में बिल्कुल ऐसा काम है कि 200 मकान तो लोगों के डैमेज हो गए, और जब भी सीवर चले, अब तक तो सीवर चला नहीं है, जब सीवर चलेगा हजारों मकान गिरेंगे, गरीब आदमी कहाँ से अपने मकान बनाएंगे, कहाँ से मैं पैसा ले आएंगे। दूसरी चीज, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन भाइयों के सबके राशन कार्ड काट दिए गए, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई। ये सरकार है काटू और पिट्टू, काटू पिट्टू सरकार है। न्यू है भाइयों, जमींदार बैठे जमींदार पिट्टे, अंगनवाड़ी आली गई अंगनवाड़ी आली पिट्टी, भाई कर्मचारी साथी गए वे पिट्टे, और जो हमारी बहनें भी सरपंच बन रही हैं और भाई भी बन रहे हैं पंचकूला में सरपंच पिट्टे, और जो राशन कार्ड है बुढ़ापा पेंशन है, इसलिए ये काटू और पिट्टू सरकार है। दूसरी चीज, आज हमारे देश की शान, जो गोल्ड मेडल जीत के पूरे नाम, पूरे देश का नाम रोशन करें, और उनको भी एक बरादरी का टारगेट कर रही हैं। वो एक बरादरी के लिए मेडल लेकर आए थे, उस दिन तो सारे देश की छाती चौड़ी थी, वह हमारा पहलवान फलाना गोल्ड मेडल लेकर आया है। आज उन एक बरादरी और एक समाज से देख रही है। मैं ये घोर निंदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहलवान किसी भी एक बरादरी का नहीं होता, वो 36 बरादरी का हो। और दूसरी चीज, देश के लिए समर्पित है। दूसरी बात, इन किस बरादरी को नहीं ठगा, हमारी बरादरी का, ब्राह्मण बरादरी का, परशुराम महाकुंभ था करनाल में, इन्होंने महाकुंभ में जो हमारे समाज के प्रतिनिधि थे, मैं भी उसमें साथ था, मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि हम ब्राह्मण कल्याण आयोग बनावेंगे। उड़के एक राजा के पुजारी कल्याण आयोग बना दिया। पुजारी कितने हैं हरियाणा में? 200 पुजारी होंगे। पुजारी आयोग ते ब्राह्मण समाज को क्या फायदा होता है? दूसरी चीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा, जब जब भी हरिजन वाल्मीकि समाज और ब्राह्मण समाज जिस पार्टी के साथ जुड़ा है, उस पार्टी की सरकार आई है, और जिन्होंने इनका अपमान किया है, तख्ता पलटने का काम ब्राह्मण वाल्मीकि हरिजन ने किया है, जो हमारे बैकवर्ड के साथी हैं, इनने तख्ता पलटने का काम किया है, और अब की बार भी यही होगा। रोहतक में परावर की जमीन मुख्यमंत्री स्टेज से कहता है कि हमने ब्राह्मण समाज को दे दी 55 साल का, 2055 तक लीज बढ़ा दी, और वही मुख्यमंत्री जयंती के एक दिन पहले उस पर हमारे भाई नवीन जैन पे केस करवा के और पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज का अपमान करता है। मुख्यमंत्री सर्वप्रथम और 36 बरादरी का होता है। मैं इस बात पे भी मुख्यमंत्री की घोर निंदा करता हूँ कि वो जो ब्राह्मण से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ब्राह्मण की दुश्मनी, नादान की यारी, कांच की घटी, तमे की बीमारी लेके जाकर ऐसे कोई हो भाई। आपके चैनल का मैं दम तक हूं मैं। दूसरी बात, आज एक प्रोग्राम हमारे समाज का परशुराम जयंती पिल्लूखेड़ा में मनाई जा रही है। जितने भी बीजेपी के नेता तमाम वहां आए हुए भी हैं, और जो ब्राह्मण समाज से विधायक है मोहनलाल बड़ोली, वो भी वहां आया हुआ है। उन्हें ये तो शर्म आनी चाहिए, आप समाज के प्रोग्राम में जाओ। जो सरकार में हमारे नुमाइंदे बैठे हैं,
उनको इस बात की चिंता नहीं है भाई, एक तरफ तो ब्राह्मण समाज की कदे गर्दन काट दूंगा, कदे यू कर दूंगा, कदे यू कर दूंगा। अरे कुर्सी के इतने चिपके ना बैठो, कुर्सी के इतने चिपके बैठोगे नहीं समाज जूती मारेगा। जितने भी प्रतिनिधि है मैं, जितने MP बढ़ रहे हैं हमारे समाज के और MLA बढ़ रहे हैं, मैं सबसे कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाला समय कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का है और जो है कुर्सी का चिपके बैठे है नी, इन्हें मैं सबसे पहला दिखाऊंगा कांग्रेस में इनकी टिकट कटेगी, सबसे पहला बस जाएंगे और फिर समाज इनका दूत मारेगा। और आपके चैनल के माध्यम से दोबारा फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूं भाई, सुभाष गांगुली हल्के में जो विकास इनने करवाए हैं विपक्ष का MLA होते हुए भी, हमारी बहुत पुरानी मांग थी एक कोल की सड़क की, कोल मुआना कोल, इन्होंने पूरी दिलचस्पी से उस सड़क को बनवाया और हमारे मुआना गांव का जो हाल है इन सेशन में 3-4 बार उठाया, उसके लिए भी मैं गांव की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। इनके साथ जुड़ो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत मजबूत करो और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का जय हिंद।